इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। सही बोल रहे ना? तो भैया ये कोरोना काल में दिल लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो हाथ में लीजिए सैनिटाइजर, हाथ को कीजिए सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हाँ, साथे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और उसके साथ सनक का मजा लीजिए। तो भैया सन की हीरो यानी कि विद्युत जामवाल की आने वाली जो फिल्म है सनक, वो बहुत जल्दी ही सिनेमा घर में एंट्री मारने वाली है। और भाई जब मैंने ये गाना आप लोगों के सामने गाया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, तो आप समझ ही गए होंगे कि सॉन्ग का हम लोग रिएक्शन लेके आए ना। तो इससे पहले कि इस सॉन्ग का रिएक्शन हम आपके सामने रखें, ये गाना कौन सा है? इकरार करना मुश्किल है। ये अभी भी इकरार करना में ही अटकी हुई है मैडम। ये उसका रिमेक वर्जन है, यानी कि इन दिनों बॉलीवुड में आप जानती हैं कि ओरिजिनल का रिमेक बनता रहता है। हाँ। तो ये इकरार करना नहीं है, इस बार ओ यारा के नाम से ये सॉन्ग आने वाला है। कहां पर? OTT प्लेटफॉर्म पे। तो मैडम जी, इससे पहले कि हम इस सॉन्ग का रिएक्शन आपके सामने रखें कि आपसे हम खेलना चाहेंगे कौन बनेगा करोड़पति, तो भैया आप बताइए कि सॉन्ग को गाया कौन था ओरिजिनल वाला में? ओरिजिनल वाला कविता कृष्णमूर्ति। अरे ये भैया ये तो जीत गए 1 करोड़ रुपया। अब चलिए हम दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं, इसका म्यूजिक कौन दिया था? नदीम सरवन। बाप रे बाप, इनका तो जीके बड़ा स्ट्रांग है फिल्म के मामले में है। तो चलिए हम रिएक्शन रखे, उससे पहले कि आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या हमसे? आप ऐसे देखो, आप भी बता दीजिए कि इसको गाना अभी जो रिलीज हुआ है न्यू मिक्स वाला, हाँ उसका गाना किसने गाया है? अच्छा, किसने म्यूजिक दिया, आप ये पूछना चाह रही है? ओहो, ये तो बड़ा गंभीर सवाल इन्होंने पूछ लिया, लेकिन चलिए फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं। वो है भैया चितरंजन भट्ट। चितरंजन भट्ट, मजे कहे नहीं लेंगे, पूरा मजा लेंगे भैया। देखिए ऐसा है कि चितरंजन भट्ट ने इसका रिमेक वर्जन तैयार किया है, तो 1 करोड़ हम भी जीत गए ना। इसका सिंगर? सिंगर अभी यार सिंगर तो लिखना ही भूल गए थे हम, बताइए। अरे यार कौन है? 1 करोड़ वापस दीजिए तो मैं बता रही हूँ। यार ये तो गड़बड़ हो गया यार, आज पहली बार आज हमारा जो जीके है ना हुए फेल हो गया यार। कौन है? चलिए बता दिए। ये लीजिए सैनिटाइजर वाला 1 करोड़ आपका। स्टीवन बेन एंड दीक्षा तूर। स्टीवन बेन और दीक्षा तूर, कसम आज यार मतलब ले लिए 1 करोड़। जो कहा हाथ को आया नहीं, मुंह को लगा नहीं और निकल लिया भाई 1 करोड़ बाहर। तो ऐसा है, गाना तो बहुत ही जबरदस्त है, कैसा लगा आपको गाना? बहुत अच्छा लगा गाना वाकई में। लेकिन एक बात बताएं यार, रिमेक, हाँ रिमेक, रिमेक ही होता, रिमेक भी होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, लेकिन फिर भी ये रिमेक अच्छा लग रहा है। हाँ। और गाना भी बहुत ही स्लो मोड पे है, कैसा लगा इसमें विद्युत जामवाल का आपका अवतार कैसा लग रहा है इस सॉन्ग में? अवतार अच्छा है, मगर इनको कुछ कुछ डांस भी सीखना चाहिए। विद्युत सर, आपके लिए पते की बात कि आपको डांस सीखना चाहिए, मतलब कि मैडम आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, रिक्वेस्ट है ना? हाँ जी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, तो मतलब कि ये रिक्वेस्ट कर रही है साथ में थोड़ा थोड़ा डांस भी सीख लेना चाहिए, एक्शन के साथ में थोड़ा थोड़ा डांस भी सीख लेना चाहिए। तो भाई उनका एक्शन ही इतना भारी है कि वो जब एक्शन करते हैं ना, नो डाउट बहुत अच्छा करते हैं एक्शन, नो डाउट बहुत ही बेहतरीन करते हैं, मतलब उनका एक्शन मतलब डांस से बेहतरीन होता है। तो आप मतलब ये कहना चाह रही हो कि वो एक्शन के साथ में अगर डांस भी सीख लेंगे तो ये गाना और बेहतरीन हो सकता था। हाँ। मतलब गाना अभी ठीक नहीं है, ऐसे अच्छा है जैसे स्लो में दिया गया उस तरीके से कर रहे हैं वो गाना, मगर कुछ और वो वाला ये वाला स्टेप है पैर उठा उठा के। तो भाई वाकई में गाना बहुत ही बेहतरीन है और इस गाने को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये गाना लंबे टाइम तक लोग सुनेंगे। वैसे ये गाना तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, यानी कि जब मैं अब 35 जितना भी हो गए हम, तो भैया जितने उम्र में भी हो गए हैं उतने उम्र से इस गाने को सुनते आए। और ये गाना जो था ना वो फिल्माया गया था उस वक्त किसके ऊपर? मनीषा कोइराला के ऊपर। कसम आज भाई ये तो पूरा एकदम जीके स्ट्रांग करके आई हैं कि भैया कोई भी सवाल का जवाब जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से देंगी। तो आप ही ना बताते हैं, नहीं याद रहता है तुमको, नहीं करती हो तुम, आज याद करके आई हूँ, लीजिए। ऐसा है कि भैया ना पहले से चीट मार के बैठी थी, हम वही सोच रहे हैं कि आज कोई भी सवाल हम पूछ रहे हैं तो ये फटाफट जवाब कैसे दे रही है। अच्छा हाँ जी, इसके बाद भी बहुत सारे सवाल जवाब आपसे होंगे अगले एपिसोड में।
तो भैया नो डाउट गाना बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर से कि भैया आप लोग फिल्मों का रिमेक कर रहे हो, कम से कम गानों का तो रिमेक मत करो। हाँ। गाना अच्छा है, गाना नो डाउट अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया भी गया है, और उसमें मैडम ने एक रिक्वेस्ट भी कर दिया विद्युत सर की सर से कि थोड़ा सा डांस पर भी ध्यान दे दें। एक्शन तो नो डाउट आपका बहुत ही बेहतरीन है, और अगर इसमें डांस भी और अच्छा होता, मूवमेंट और अच्छे होते तो नो डाउट ये गाना बहुत बेहतरीन होता, लेकिन फिर भी मुझे तो गाना ये बहुत ही पसंद आया। तो एक बार फिर से मैं गाना चाहूंगा इस गाने को, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब कि ओल्ड इज गोल्ड, न्यू इज सिल्वर, तांबा, क्या कहना चाह रही हैं आप? वो भी गोल्ड रहता है बट कुछ दिनों के, पानी चढ़ाऊंगा। हाँ, मतलब कि चांदी के ऊपर पानी चढ़ाऊंगा। तो भैया ऐसा है कि ये जो गाना है मैडम के हिसाब से वो जो है वो चांदी का लेयर है अंदर में, ऊपर में खाली दिखावे वाला सोना है। आओ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। इनका वो कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन भाव जो था वो अंदर से वही था। मतलब ओरिजिनल बनाइए तब ये लोग खुशी से झूमेंगे नाचेंगे, और क्या बोलते हैं, इकरार करना मुश्किल है इनकार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है, ओ कितना मुश्किल है देखो सोशल डिस्टेंस दिल लगाना, ओ यारा। तो भैया बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, और इस फिल्म को तो हम लोग देखना चाह रहे थे सिनेमा घर में, लेकिन इत्तफाक से भाई ये फिल्म आ रहा है OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों में जाने के लिए हमारे चैनल वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जरूर दबाइएगा।